तेरे कमन कमन गुण कै कै गामा, तेरे कमन कमन गुण कै कै गामा, तू साहिब गुणी सर। बोलो जी, तू साहिब गुणी निधान सर, तू साहिब गुणी निधान। कुमरी महमा बरन ना साको, तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तन तन सिर गुरु रामदास जी। बोलो जी, तन तन सिर गुरु रामदास, सारी संगत गवो, तन तन श्री गुरु रामदास, तन तन श्री गुरु रामदास जी। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरो उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप कमाते, उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप कदों Thank you.
विफल होए कारे इश्नाना बोलो निर्मल हो सारी संगत रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब ठोक उफारे कुर्ता शब्द विचारे साध संग मल लाथी पार परम पयो साथी नानक नाम ते आया मूर्ख प्रभ पाया बोलो रामदास सरो संगत रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप सारे नहीं बोल रहे उतरे पाप कीर्तन सारे करो सब उतरे पाप कमाते उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते संतो 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 रामदास सरोवर नीका जो नावे सो कुल तरावे एक सरोवर अमृतसर पानी ते बाणी दा सुमेल करके जड़ा बनाया अमृत सरोवर ओ ते
एक दूसरा सरोवर है जी गुरु रामदास जी दियां सिफतां दा सरोवर आख सतनाम जिदे च हुण तुसी सारे बैठ के इशनान कर रहे हो। ये गुरु रामदास जी दियां वडियाईयां दा गुरु रामदास जी दियां सिफतां दा सरोवर है। ते की कहिंदे महाराज बाणी दे विच कोई प्यार दे नाल भावें उस सरोवर च ते भावें आ सिफतां दे सरोवर च प्रेम दे नाल इशनान कर लवे फिर की मिलेगा कल्ला तू नहीं तरेगा। की कहिंदे जी संतो रामदास सरोवर नीका जो लावे सो पुल तरावे उतार को आगे जीना साबी उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते उतरे पाप कमाते उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते उतरे पाप कमाते कितना हिस्सों के बोले होगे दास दूजी हरी वीर बोलो तीजी हरी भैं बीबिया सारिया कीर्तन करो अपनी अपनी बारी सिर सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमा रामदास सरोवर नाते टिठे सबे थाव नहीं पग जे गया बतो पुरख पिताते तू सोहया वस दी सजने अपार अनूप रामदास पर हर का नानक कसमल जाए कदों नाये रामदास सार सब उतरे पाप कमाते उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते सब उतने पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते धन गुरु रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते वाहे गुरु वाहे गुरु सारे वाहे गुरु वाहे गुरु बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सारे नहीं बोल रहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे मगर लिया वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जुड़ो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे इशनान वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे भी कई चक रहे वाहेगुरु सारे वाहेगुरु 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 वाहे सचखंड लभना कितने वाहेगुरु वाहेगुरु साधु संगत सचखंड है वाहेगुरु 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 रामदास सरोवर दाते सब उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर दाते सब उतरे पाप कमाते। एक बारी सारी संगत धन गुरु रामदास पिता जी दे प्यार दे विच आओ, कोई रसना खाली ना रहे, बिल्कुल एकाग्रता बख्शते हुए सारे एक बारी गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। शायद कोई इस वेले भी रह गया होवे जिन्हें अपनी रसना नु पुत्र ना कीता होवे, भाई सारी संगत एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम श्री वाहेगुरु। भागा वाले धन गुरु रामदास पिता जी दिया वड्याईयां कर रहे हो, हुण सिफतां करनियां क्यों ने, क्यों करनिया ने कि आ जड़ी साडे मन दे उत्ते पापा दी मैल जमी पई है ना, जमी पई गुरु दियां सिफतां करके ए पापा दी मैल साडे मन तों लै जावे घटदी जावे, तां करनिया ने। साडी सिफत करन दे नाल वड्डा नहीं होना गुरु ने, नहीं करोगे छोटा नहीं होना, करोगे वड्याईयां साडा ही भला। आ बाबा नंद सिंह जी दे रागी होए ने संत सुजान सिंह जी, मैनू कुदरती बचन चेते आ, संत सुजान सिंह जी ना बाबा नंद सिंह जी दे कोल कई बारी आउणा, महापुरशो फलानी थां तों चिट्ठी आई है, फलानी थां तों सुणिया आया मैं कीर्तन करन दे लई जाणा है, ते बाबा नंद सिंह जी ने कहना सुजाने आ बई अजे एक महीना तू किते नहीं जाना, साडे कोल ही रहना, सानू ही कीर्तन सुनाउणा है, साडे कोल ही रहना। बाबा जी फलानी थां तों सुने आया, नहीं सुजान सिंह महीना तू इत्थे ही रहना, ते संत सुजान सिंह जी ने कहना जी सत बचन ते जदों तुरन लगना ना संत सुजान सिंह जी ने, ते कई वारी प्रेम च आके बाबा नंद सिंह जी ने कह देना सुजान सिंह मत ख्याल करी तेरे मन च भुलेखा आ जावे कि असी तेरे कोलों समा मंगदे आ कि महीना इत्थे रुक जा। ओ प्यारे आ ध्यान नाल सोची सही मैने आ, चे तेरे कोलों समा लै नहीं रहे, तेनू समा दे रहे आ। हक सतनाम वाहेगुरु। सही मैने आ, चे तेरे कोलों समा लै नहीं रहे, तेनू समा दे रहे आ। दे रहे छोटा एक बड़े नू की दे सकदा, असी हुण गुरु रामदास जी नू की दे सकदे, गुरु दियां सिफतां करनियां प्यारे हो, साडियां सिफतां करन दे नाल गुरु जी ने वड्डे नहीं होना, नहीं करोगे छोटे नहीं होना, क्यों करनियां ने साडा ही भला, साडे आ जिहड़े मन दे उत्ते पापां दी तह वधी पई है ना, इह घट जावे। हक सतनाम वाहेगुरु। सारे एक बारी प्यार नाल आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, फिर आखो सारे वाहेगुरु। पटियाले वाले तुहाडा केड़ा मुल लगदा, सारे बोलो वाहेगुरु।
इस करके करनिया ने गुरु रामदास जी दी वड़ियाईया। अज जिनी संगत बैठी इथे धन गुरु रामदास पिता जी दिया वड़ियाईया कर रहे आगमन पुरब मना रहे हो, गुरु जी नूं धन कह रहे हो। धन कहण दे भी बड़े लाभ ने, बड़े बड़े लाभ। इथों तक भट्टा ने कहता, एक बारी बोल लो सारे भट्ट, इथों तक कहिंदे तू धन गुरु रामदास जी नूं प्यार दे नाल धन कह, कह धन की मिलेगा। जय सतगुर सिमरन, जय सतगुर सिमरन सतगुर सिमरंत रिदे खताव दिनों दिन। कहिंदे प्यार नाल धन कह, मन दियां अखां तों ज्ञान का दा नेरा दूर हो जाएगा। प्यार नाल धन कह गुरु रामदास जी नूं, ओ प्यारिया ए नाम भी तेरे हिरदे ते वसदा जाएगा। आख सतनाम जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। तड़पना लगी रहिंदी, फलाना अगे वध गया, उन्हें इनी जोड़ ली माया, मैं तो उत्ते खड़ा। कहिंदे अब तड़पना भी मिट जाएगी। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जै सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नाम निद पावे। सोई रामदास गुर पल धन, मेरे संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभ पाइए, सतगुर सिमरो नरो। धन गुरु रामदास मेरे, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास मेरे, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, जित मिल हर पड़ता कटिया। धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। प्यार च आओ एक बार आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु। प्यारे हो, दास ने कोई साखी नहीं लेने, केवल जड़ी गल कहन जा रहे हैं। जेड़ा प्रकरण महाराज ने शुरू कराया ओदे च अज डूंगियां चुबियां मारे हो। हुण सत्ते ते बलवंडे दा जिक्र मेरा ख्याल जिन्ने पंडाल च बैठे सब नूं पता, सब नूं। मैं कोई इन्हां दी साखी जिक्र नहीं बलवंड, अज विचों डूंगियां चुबियां मारनियां। हुण लै जाओ गर्तियां सारे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब। दरबार साहिब दीआं परिक्रमा चों ना गुरु अर्जन देव महाराज लंघ रहे ने, लंघदे पए।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਹੱਥ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਬਚਨ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗਿਣੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੁਗਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੜਦਾ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਰੋਗੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਜੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਉੱਲੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਉੱਲੂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਗ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਵੇ ਹੱਥ ਸਤਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਇਹ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੱਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਗੀ ਦਾ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗਾ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੜੀ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਨ ਚ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਠਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਜਾਗਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਬਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੱਕ ਮੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫੜਾਇਆ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਸਿੱਖਣ ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਓ ਸਿੱਖਿਓ ਇਹ ਰਾਗੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋੜ ਫਲੈਰੀ ਫੁਲਵੈਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋੜ ਵਰਗਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਗ ਫੁਲਵੈਰੀ ਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੁਲਵੈਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ
बड़े डॉक्टरां नूं चेक कराया, बड़े इलाज कराए, जदों गल ना बनी ते बाबा नंद सिंह जी नूं बेनती कीती, महापुरखो फुलवैरी दा रोग वधदा जा रहा, जिथे भी ये रोग कोड़ वर्गा होई जा रहा, रूप दूजा लई जा रहा, जिथे भी हथ लाओ जगह गलदी जा रही है, ते महापुरशो कृपा करो ये रोग दूर होवे, कुछ एहो जी जुगती कोई एहो जिहा ढंग दसो। उस वेले बाबा नंद सिंह जी दो मिनटां लई अंतर ध्यान हो गए, दो मिनटां बाद जदों नेत्र खोले ना कहण लगे, रागी संता सिंह जी ए ते तुहाडा कोई करम रोग लगदा, हक सतनाम वाहेगुरु, करम रोग लगदा जी, इलाज किवें होवे? कहिंदे इहदा इलाज दुनियावी डाक्टरां दे कोल नहीं, इहदा इलाज ते वड्डे डाक्टर धन गुरु रामदास जी दे कोल है, गुरु रामदास जी दे कोल। कहिंदे किवें इलाज होवे? कहिंदे दवाई जिहड़ी खाना है ओह खाई जा, ध्यान देना, पर हरिमंदर साहिब चलिया जा 40 दिन, हरिमंदर साहिब दीआं परिक्रमा चों गल दे विच टेंट पा लैणे ने, हरिमंदर साहिब दीआं परिक्रमा चों विठां चुकणीआं ने हत्थां दे नाल विठां, उस तो बाद झाड़ू देण दी सेवा करनी है, संगतां नूं जल छकाउण दी सेवा करनी है, बर्तन मांजण दी सेवा, 40 दिन ये ड्यूटी भुगता। जे गुरु रामदास मेर दे घर च आ गए, वड्डा डाक्टर मेर दे घर च आ गया, ते ए तेरा रोग जेड़ा करम रोग ये कटिया जाएगा, कटिया जाएगा जी सत बचन। ते जदों हुण रागी संता सिंह तोरन लगे ना, ते बाबा नंद सिंह जी ने प्यारो आवाज मारी, कहिंदे संता सिंह चलिया ते हैं, पर तीन गल्लां साडियां याद रखी, हुण जुगती समझाई। कहिंदे तीन गल्लां याद रखी जी की? कहिंदे सब तो पहली गल, तू मशहूर बड़ा, अमृतसर दी संगत तेरे नाल प्रेम बड़ा करदी है, ते इक गल ए, जदों हरिमंदर साहिब दीआं परिक्रमा च तू विठां चुकदा होएगा, साफ करदा होएगा परिक्रमा, झाड़ू देंदा होएगा, कई संगत दे प्रेमी तेरे कोल आ जाणगे दुख सुख सांझे करन दे लई, तैनू वेख के तू मशहूर बणा, पता उहनां नूं इत्थों गया। ते इक गल ए, पहला परहेज तेरे लई परिक्रमा दे विच टोले बना के गल्लां नहीं करनियां, हख सतनाम गज के आखो सतनाम, परिक्रमा दे टोले बना के गल्लां नहीं करनियां जी सत। भई दूजी दूजा बचन नहीं, दूजी जुगती तेरे लई, कि जे तैनू कोई कवे साडे घर आके प्रशादा छको, ते किसे प्रेमी दे घर प्रशादा छकण दे लई भी नहीं जाना, हरिमंदर साहिब ही गुरु के लंगर चों जो तिल फुल ओ रसना नूं लाउणा, किसे दे घर प्रशादा छकण भी नहीं जाना, जदों प्रशादा छकण जाएगा तेरी सेवा करनगे, ते जेड़ा काम भिखारी बन के गुरु कोलों झोलियां भरवाउणगे ओह काम तेरा विच रह जाणा जी सत बचन। ते तीजा बचन दिता सी संतां सिया, ओह तेरे लई तीसरा बचन है, क्योंकि संगत बहुत प्रेम करदी तेरे नाल, ते संगत ने तैनू कहना, अच्छा जी जे तुसी घर नहीं ओदा नहीं चरण पाउणे, जे तुसी प्रशादा नहीं छकना, ते जेड़ा घंटा डेढ़ घंटा आराम करना आराम ही कर लो, प्रशादा नहीं छकना आराम ही घंटा डेढ़ घंटा, ते कहिंदे किसे घर आराम करन भी नहीं जाना, जे किते नींदर नूंदर दा जोर पवे शरीर थकावट मन्ने, ते परिक्रमा च लेट के आराम कर लेना, ए जुगतियां दे नाल जा गुरु रामदास वड्डे डाक्टर दे कोल, अपने रोग दा इलाज करा लै, हख सतनाम। हुण बाकी अगा गल होर रूप धारण कर दी, तिन्ने बचन नहीं सी संभाल पाए, नहीं सी संभाले गए इन्हां कोल, बाकी जिथे हां असी उथे रहीए, कि प्यारियो महापुरशां दे कोलों जुगतियां मिलदियां जी, ते जद तक जुगती नहीं उदों तक मुक्ति नहीं जी, सारे बोलो वाहेगुरु, नहीं उदों तक मुक्ति। महाराज ने भी कहा बाणी च गूंजवी आवाज च बोलो, सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, सच ता पर जानिए जा जुगत जाने, जुगत जाने जियो जा जुगत जाने जियो,
जुगत जाने जियो सच ना पर जानिए जा जुगत जाने जियो सच ना पर जानिए जा जुगत जाने जियो प्यारे ओ ए सत्ते ते बलवंडे नु उठे ही आ जा हुण जुगती नहीं सी गुरु दे बचना नू संभालण दी सारे बोलो आए गुरु वाह जुगती नहीं सी बचना नू गुरु दे संभालना किवें महाराज कहंदे आ माया लै जो गुरु नानक बरकत पाएगा हुण उस समय माया नू वड्डा समझिया ते गुरु दी बरकत नू छोटा समझिया क्या दे ओ जिन्ने बैठे हो ए भुलना साडे कोलों ना होवे माया नहीं वड्डी वड्डी है गुरु वालों पाई बरकत बरकत तुसी कई बारी ध्यान दिता होएगा नहीं तो कई बारी नहीं ख्याल बनता करदा हुण कदी सोच के देखना कई बारी प्यारे इक्को परिवार दे विच पंज मैंबर ते पंजे दे पंजे कमाई करदे होणगे कोई नौकरी करदा किसे दी दुकान किसे दा कोई बिजनेस पंजे दे पंजे कमाई करदे होणगे पर फिर भी घर च बरकत नहीं पैंदी पता ही नहीं लगता किधर आए किधर गए ते कई बारी प्यारे ओ दस दस मेंबर होंदे ने घर दे खाण वाले कमाउण वाला इक होंदा तां वी पिछे पई जांदे ने सारे बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु माया नहीं वड्डी वड्डी है गुरु रामदास जी दी बरकत बरकत वड्डी है ओ मंगिया कर हुण ए गल दी नहीं सी सोची सत्ते ते बलवंडे नु महाराज दा बचन छोटा समझिया ते माया नु वड्डा समझिया ते की कहंदे मालक जी एक बेनती है भई दसो सतगुरु ए माया नहीं सानू चाहिदी ए थोड़ी है कल दे दिन हरमंदर साहब जिन्नी चढ़त होवे ओ सारी दी सारी चढ़त साडी झोली पा देना महाराज ने बड़ा समझाया जदों ना ना समझे क्योंकि गुरु साहब ते गुरु दे प्यारे तीन मौके देंदे जे तीन सारे बोलो वाहेगुरु तिना नू कोई संभाल लवे ते संभाल लवे नहीं ते चौथा ते बाद चो कलयुग बैठा ही है सारे बोलो वाहेगुरु महापुर क्यों कहंदे सी कहंदे तीन बचन हो गए पहला सतयुग दा दूजा त्रेते दा तीजा द्वापर दा ते जेड़ा तिना जे ना संभाले ते चौथा ते कलयुग तैयार ही बैठा है ना सारे बोलो वाहेगुरु तीन मौके मिलदे जे तीन गुरु साहिब वल्लों भी ते अगों गुरु दे प्यारियां वल्लों भी तिना जे कोई संभाले ते संभाले मेरे नाल खुद बीती सी दास गरीब नाल इसे साल हेमकुंड साहब दी यात्रा हर साल गुरु साहब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बख्शिश करके रहमत अपनी करके सिर ते हाथ रख के सेवा लैंदे ने अपने स्थान दी जांदा है जत्था गुरु दी कृपा नाल ते प्यारे हो ते जदों आ मान लो हुण आ अक्तूबर दा महीना है ना अगले साल दियां जिहड़ियां डायरियां ने ओह साडियां इसे महीने शुरू हुंदियां ने अठ अठ नौ नौ महीने पहले साल साल पहले जिथे जिथे जो दो डेटा गुरु साहब की बख्शिश दे नाल महापुरखां दी असीस दे नाल जिथे जिथे कोई सैटिंग करनी ये अक्तूबर नवंबर के महीने च हुंदी है ये दो महीने है हुण पिछले साल अक्तूबर दे विच ना दास ने अपनी डायरी ते लिख दिता सी कि इन्नी जुलाई तो मेरा ख्याल शायद 13 जुलाई तो 20 जुलाई 21 जुलाई इन्ना तरीकां दास ने लिख दिता यात्रा श्री हेमकुंट साहब हेमकुंट साहब की यात्रा उत्थे जाना ते प्यारे ओ समा बीतदा गया महीने बीतदे गए जदों आया ना मई का महीना ते मैं भाई साहब जी दे कोल गया आग्या लैण दे लई मैं कहा जी कृपा करो क्योंकि एक बेनती जे एक सुनियो साडा एक निका जिहा रुमाल डिग पवे ना रुमाल जिहड़ा कोई चुक के दवे ओहदा असीं धन्नवाद करदे हां करदे हो कि नहीं कोई होएगा किरत कण जिन्हों नहीं पता किसे दी कीती दा ओह भावें ना करे निका जिहा रुमाल डिग पवे जमीन ते सानू कोई चुक के दे देवे प्यारे ओहदा धन्नवाद करीदा ते जिन्ने सारा जीवन दित्ता होवे ओहदा धन्नवाद क्यों ना करिए सारे बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु जिन्ने सारा जीवन ही दित्ता होवे मैं नहीं कहिंदा महाराज कहंदे कहंदे जिस दा दित्ता खावणा तिस कहिए शाबाश जिन्ने बैठे किरत कण ना करी बणे हो ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਾ ਬਣੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਢੋਈ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ
मैं क्या जी आ गया तो जाने कौन सा ते पहली बारी मैनु कहते बेटा हफ्ते बाद इहदे बारे गल करांगे अजे समा नहीं गल नहीं हो सकती बिजी हां थोड़े कीर्तना दा रुझेवा इहदे बारे हफ्ता बाद गल हफ्ता दो हफ्ते बीते फिर दास ने बेनती की कुछ मेरा भी रुझेवा सी कीर्तना दा जदों दो हफ्तियां बाद मेल मैं कहा जी कृपा करो हुण ते दिन नेड़े आई जा रहे ने जे संगत नूं लजाणा ना अनाउंसमेंटा भी करनिया इश्तिहार भी छपाने बसां बुक करनिया ने की हुकम है कहते बारे ने 15 दिन बाद गल करा 15 दिन बाद मैं कह जी सत हूं प्यारे कुदरती दास का भी रुझेवा कीर्तना का बिजी तो तकरीबन महीने के बाद फिर मैं पूछा हूं महीना चढ़ गया जून का बेनती की मैं क्या हूं तो यात्रा के बूहे भी खुल गए ने आपकी कृपा करो आग्या दो अगले महीने संगत लैके जाने है आग्या बख्शिश करो तो उस वेले मैनू की कहते कहते अजे भी गल ना कर अजे समा नहीं हफ्ते बाद जो तिने वारी ना करती ना समा नहीं दिता गया इतना सही ढंग जो तिने वारी खुशियां नहीं मिली मैं क्या चौथी बारी नहीं हूं पुछना सतनाम मैं क्या चौथी बारी नहीं पुछना एदा मतलब इस वारी ना ही है कि नहीं जाना ते प्यारे मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी च बैठा गुरु की बख्शिश के नाल एक गल कह रहा जदों ओ तरीकां खेमकुंड साहब दियां जो डायरी दे उत्ते लिखियां सी खाली रह गईयां क्योंकि कीर्तन दित्ते नहीं सी किसे नूं ओ 7-8 दिन अमृतसर रहे नहीं गए हेमकुंड साहब ते ओ दिनां च जलंधर दी संगत ने भी साडे मैं कहा चलो तुसीं चले जाओ ते जदों ओ संगत गई ना ते ओ संगत ने दास नूं आके दस्सिया कहिंदे भाई साहब जी इस वारी बड़ा वधिया होया कि तुसीं नहीं गए मैं कहा क्यों कहिंदे इस वारी रस्ते भी टुटे पए पहाड़ भी डिगे पए असी 2-2 किलोमीटर पैदल तुर के आए पैदल तुर के रस्ते च सारे रस्ते बंद किनिया चढ़ाइया चढ़ के होर पैदल आए हां इत्थे आके जिहड़ा स्थान है ऋषिकेश तो कहिंदे असी फिर बसां लईयां जिहड़ियां साडियां बसां नाल सी उत्थे फसियां ने अजे असी पैदल होर दूजे रस्तियां थाने किले किलोमीटर वखरा तुर के वखरा पेंडा करके आए ऋषिकेश तो दूजियां बसां करके फिर अपनियां जगह ते पहुंचे हां ते जिथे 7 दिन लगने सी साडी यात्रा नूं 13-14 दिन बाद वापस आए ते उस वेले मैं अपने मन च शुकराना कीता मैं क्या दातिया ए जे मैं हुण बचन ना मन के चौथी वारी अपनी मर्जी करके चलिया जांदा ते मेरे नाल भी एदा ही होना सी सारे बोलो वाहेगुरु वाहे फिर बोलो सारे वाहे फिर बोलो प्यारे ओ वाहे आ जिन्नी संगत बैठी सब नूं बेनती गुरु साहिब ते गुरु दे प्यारे तीन मौके देंदे जे तिन्ना च कोई सांभ लवे ते सांभ लवे नहीं ते चौथा ते कलयुग तैयार ही है तैयार ही है प्यार हुण धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बड़ा समझाया कि बई ए गल ना कहो कि कल दी जिन्नी चढ़त नहीं महाराज सानू ओ ही चाहिए महाराज ने जदों 3 वारी समझाया ना समझे ते सतगुरु कहिंदे चंगा बई तुहाडी मर्जी कल आ जाना शाम नूं जिन्नी चढ़त होएगी तुहाडी झोली पा देंगे जी 7 बजे हुण अगला दिन इहो जिहा हिसाब बन गया मी इन्नी तेज नेरी इन्नी तेज कि ओदे करके संगत आई घट ते जदों संगत घट आई चढ़त भी होई थोड़ी जदों पईयां ना शामा धन गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सिखां नूं कहा भई बुलाओ सत्ते ते बलवंडे नूं जदों बुलाया सारी चढ़त महाराज ने उन्हां दी झोली पाती जदों घर जाके चढ़त गिणी ना इह दोवां ने चढ़त लगी थोड़ी ते मन च नाराजगी रख ली कि कहिंदे गुरु अर्जन देव जी ने जान बुझ के मीह भराया तां ही संगत घट आई तां ही चढ़त थोड़ी होई चंगा जे महाराज ने इदां कीता ते असी भी कल तों कीर्तन करन दे लई नहीं जाणा गज के आखो सतनाम वाहेगुरु कल तों कीर्तन करन लई नहीं जाणा मन च नाराजगी रख ली अगला दिन चढ़िया महाराज उड़ीकण कीर्तनीय नहीं आए कीर्तनीय नहीं आए महाराज ने सिखा नूं भेजिया भी बुला के ले आओ नाराज होके बैठे ने बुला के ले आओ नहीं आए भाई गुरदास जी नूं भी भेजिया उन्हां नूं भी बुरा भला भला कह के वापस तोरता धन बाबा बुढ़ा जी नूं भी भेजिया गुरु अर्जन देव जी ते जदों बाबा बुढ़ा जी तुरन लगे ना गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे बाबा जी एक गल बेनती है जी हुक्म करो बाबा जी गुरु दे कीर्तनियां नूं मनाउण चले हो वेखियो जोड़ा पाके ना जायो नंगे पैरी जाना जे बाबा बुड्ढा जी नंगे पैरी मनाउण दे लई गए
उन्होंने भी बुरा भला कह के तोरता ते पढ़ो कि इतिहास चौथी आरी धन गुरु अर्जन देव महाराज आप नंगे पैरी गए आप लभे गए हो जा गुरु कित आप नंगे पैरी गए जाके कहिंदे ने सत्ते ते बलवंडे नूं बई आओ गुरु दे कीर्तनियो कीर्तन करो ते उन्हां दा हंकार होर वध गया कहिंदे हुण पता लगा साडे मुल दा हुण पता लगा जे साडी बरादरी दे रबाबीए ना हुंदे तुहाडे गुरु नानक नूं गुरु अंगद देव पातशाह नूं गुरु अमरदास जी नूं गुरु रामदास जी नूं किसे ने पुछना नहीं सी साडी बरादरी दे रबाबी ए कीर्तनी ना हुंदे ते उस वेले धन गुरु अर्जन देव महाराज की कहिंदे कहिण लगे ओ कोड़ियो सानू भावें जिन्ना मर्जी बुरा भला कह लैंदे पर तुसी गुरु रामदास जी दी निंदिया कीती है जाओ फिट जाओगे तुहानू कोई मूंह नहीं लावेगा तुसी गुरु दी निंदिया कीती जिन्हों मैं अपना सिर दिता है ओ मेरे गुरु पिता दी निंदिया कीती जाओ तुहानू कोई मूंह नहीं लावेगा ते नाल ही दूजा बचन करता जेड़ा इन्हां दी सिफारिश लैके आवे ओनू खोते ते बिठाल के मूंह काला करके जुतियां दा गल च पा के हार सारे शहर दा चक्कर लवाया जाएगा आखो सतनाम बचन करके आ गए महाराज वापस संगतां उड़ीकदियां ने कीर्तन नहीं है आउणगे ते कीर्तन होएगा महाराज आप जी कले आए कीर्तनी कथे सत्ता बल मंडा कथे मारे कहते उन्होंने नहीं आना महाराज फिर कीर्तन उस वेले साहब ने बचन दिता कहते सिखो खोलो साज ते करो कीर्तन गज के आखो सतनाम महाराज तुसी कहते खोलो साज ते करो कीर्तन सानू ते साज सुर भी नहीं करने आउंदे ते उस वेले धन गुरु अर्जन देव महाराज की कहंदे कहण लगे प्यारे हो तुसी साज खोलो ए साज दरगाह तो ही सुर होके आए ने ए दरगाह तो ही सुर होके आए ने सारे बोलो हाय गुरु उस दिन तो ए कीर्तन दी दास साडे सारे गरीबां दी झोली पई उधरों प्यारे उन्हां दा बुरा हाल शरीर कोड़ी कोई मूंह नहीं लाउंदा कोई मूंह नहीं लाउंदा जो महाराज दी रसना तो बचन निकले जाओ कोड़ियो फिट जाओगे तुहानू कोई मूंह नहीं लावेगा हुण इक लभिया जदों समा पाके आई ना होश अखां खुलियां भाई लद्दा पारू पुकारी ओ चोला पाड़िया ओ भाई लद्दिया बड़ी वड्डी भुलना होई साडे कोल असी अपनी रसना तो गुरु रामदास जी दी निंदिया कीती आ हाल हो गया ही साडा ओ साडा विचोला बन गया विचोला हुण भाई लद्दा परोपकारी बनना केड़ा सुखा है भाई लद्दे ने प्यारे अपना मुंह आपे ही काला कर लिया कौन करदा किसे लई सारे बोलो वाहेगुरु फिर बोलो प्यारे हो कौन करदा किसे लई विचोला और एक बेनती जे विचोला तगड़ा होवे तो दूजे पासे भी पूरी गलबात कर लैंदा है मरनी भी क्या होए विचोला आण मिलावे विचोला विच ओला विच ओला विच ओला जेड़ा तेरे औगणा दे उत्ते पर्दा पाके गुरु दे अगे तेरी सिफारिश ला देवे ओला कर देवे सारे बोलो ऐ गुरु तेरे औगणा ते ओला करके गुरु अगे बेनती करे दातिया बख्श ले बख्श ले विचोला विचोले दे भी बड़ी लोड बहुत लोड है बहुत लोड है बहुत आ त्रेते युग दे अवतार होए ने जी भगवान राम जी है नी जदों रावण चुके लै गया ना माता सीता नूं ते जंगल दे विच पुकार रहे ने उच्ची उच्ची माता सीता नूं आवाजां देंदे सीते सीते सीता बड़ी उच्ची उच्ची आवाजां दे रहे एक चकवी ते चकवा दोवें जी बैठे ने ते चकवी ना चकवे नू कहंदी है कहण लगी ए कौन है जेड़ा एडी एडी उच्ची सीते सीते पुकारदा ए कौन है किहदी आवाज है ते चकवा कहंदा ए ते त्रेते युग दे अवतार ने भगवान राम जी ओ पुकार रहे ने भई ए एडी उच्ची उच्ची क्यों पुकारदे ने उस वेले वो कहिंदा कि तां करके पुकार रहे ने इन्हां दी पत्नी नूं सुदामण चुके लै गया
ਤਾਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵਿਆਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਹੋ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੱਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਰੱਖ ਸਦਾ ਰੱਖ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਗਾਵੋ ਰਹਿਣੀ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਰਸ ਨਾਰੀ ਰੱਖ ਸਦਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ ਰੱਖ ਸਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਦਾ ਓ ਰੱਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੁਝ ਬਿਨ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਲੋ ਪੋਰੀ
जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी विछोड़े दा दुख ते ओनू पता जिन्हों होया है जिन्हों होया है नहीं क्या जाने सारे बोलो वाहेगुरू बोलो वाहेगुरू क्या जाने विछोड़ की होंगे भगवान राम की कहते कहन लगे ओ चकवी ओ मेरे विछोड़े हस नहीं है यूं लगता तेनू कदी विछोड़ा नहीं होया तेनू कदी विछोड़ा नहीं होया बस इनी गल अंदरों निकली क्योंकि एक याद रखना प्यारे हो कयारी तुसी किसे मां पुरुष दी सेवा करो जी आया कवो जल पानी दी सेवा ही भावना दा करो महापुरशां दे उस वेले अंदरों एटोमैटिक असीस निकलदी असीस असीस नजर नहीं आउंदी पर कुछ समय बाद वरतदी जरूर है इसे तरह जे कोई महापुरखां नूं कोई बुरा भला कहिंदा माड़े शब्द बोलदा कोई बद असीस देंदे नहीं एटोमैटिक अंदरों बद असीस निकल जांदी ओह भी नजर नहीं आउंदी पर कुछ समय बाद पता लगदा सारे बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु इन्नी गल कही ओ चकवी लगता है अजे तक तेनू कदी विछोड़ा नहीं होया ते उदों तो प्यारे हो जदों रात पैंदी ना रात ए चकवी ना अन्नी हो जांदी अन्नी कुछ दिसदा नहीं सारी रात ओ जिहड़े 12 घंटे ने अन्नी हुंदी अन्नी कुछ दिखाई नहीं देंदा अखां तों सूरज छिपण दी देर अखां तों रोशनी बंद चकवा कोल भी हुंदा तां भी नहीं वेख सकदी ते जदों दिन चढ़दा ना सूरज चढ़दा ते उस वेले अपने चकवे नूं जदों वेखण लगदी ओनू वेखण तों पहले पहले सूरज नूं नमस्कार करदी है क्यों ओ इहदे मिलाप दे विच विचोला तूं बणिआ गज के आखो सतनाम फिर बोलो सारे जदों शरीर हो गया कोड़ी कोई मूंह नहीं लाउंदा समा बीते जदों आई होश उस वेले भाई लद्दे परोपकारी नूं विचोला पा लिया भाई लद्दे आ साडी सिफारिश ला दे सारे बोलो वाहेगुरु साडे उगणा ते पड़दा पवा के गुरु कोलों साडियां भुल्लां बख्शवा दे विचोला तगड़ा होवे ते गल कर लैंदा सही कर लैंदा हुण भाई लद्दे परोपकारी ने की कीता अपना मूंह आपे काड़ा ओहो जुत्तियां दा पालिया गल दे विच हार खोते ते बह के सारे नगर दा आपे चक्कर लाया चक्कर लाउण तों बाद गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे कोल सत्ते ते बलवंडे नूं लै के हाजर हो गए जदों कीती चरणा ते नमस्कार ते महाराज कहिंदे ओ भाई लद्दिया मूंह काला कीता ई गल च जुत्तियां दा हार पाया ए की हाल बनाया तो की हाल बनाए उस वेले भाई लद्दा की कहिंदा मालक जी ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰੇਂਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰੇਂਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਪਰ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲੱਦਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
भाई लद्या इना दिया भुला बख्शन योग ते नहीं सन पर विचोला बन के आया तू जा तेरा सदका इना दिया सारिया भुला बख्शिया गज के आखो सतनाम भुला बख्शिया अजे भी हथ बनी खड़ोते ने पालक कहते लद्या होर भी कुछ कहना जी मालक जी एक होर बेनती पिता जी गुरु जी एक होर बेनती मालक कहते दसो महाराज जिथे इन्हों दियां भुलां बख्श दित्तियां जे उथे ए भी कृपा कर दिओ जिहड़ा शरीर कोड़ी हो गया कोड़ भी हट जावे ते उस वेले पंचम पातशाह ने की बचन दिता कहण लगे जिस रसना दे नाल इन्हां ने गुरु रामदास जी दी निंदिया कीती है उस रसना दे नाल धन गुरु रामदास जी दियां वडियाईयां करन ओ ज्यों ज्यों वडियाईयां करनगे त्यों त्यों शरीर दा कोल दूर हुंदा जाएगा त्यों त्यों शरीर दा कोल दूर हुंदा जाएगा। उस तों बाद फिर सत्ते ते बलवंडे ने गुरु रामदास जी दियां वडियाईयां कीतियां की वडियाईयां इक वारी पढ़ लो सारे कोई रसना वांझी ना की वडियाईयां कीतियां जी उस तों बाद तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर तन तन रामदास सारियां भैणां बोलो तन वाह वाह तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर तन तन रामदास गुर तन जिन सिर आपने सवारिया सिर आपने सवारिया रामदास गुर तन तन रामदास गुर तन तन रामदास हरियां भैणां बोलो तन 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 रामदास गुर जिन सुनिया तने संवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया प्यारे ओ ज्यों ज्यों वड़ियाईयां करदे ने त्यों त्यों शरीर दा कोड़ रारी हुंदा जा रहा है गुरु रामदास जी दियां वडियाईयां इहो जिहियां शरीर कंचन वर्गा नरोआ हो गया जिथों शुरू होए सा उथे ही आ जाओ हुण वडियाईयां करन दा लाभ की है सारे बोलो वाहिगुरु आ लाभ लिया तुसीं हुण कई अपने मन च सोचदे होवोगे सत्ते ते बलवंडे नूं ते शरीर दा कोड सी सानूं कहड़ा कोड होया असीं क्यों करिए एक बेनती प्यारो उस सत्ते ते बलवंडे दा शरीर कोड़ी सी साडे कईयां दे मन कोड़ी ने उन्हां दा ते तन कोड़ी सी साडे मन कोड़ी ने सारे बोलो वाहिगुरु मन पता कीवें कईयां दे मन नूं वाहवा दा कोड़ लगदा कईयां दे मन नूं ईरखा दा कोड़ लगदा कईयां दे मन नूं वैर दा कोड़ लगा कईयां दे मन नूं काम दा कोड़ लगा ओ कईयां दे मन नूं क्रोध दा कोड़ लगा कईयां दे मन नूं हउमे दा कोड़ लगा गज के आखो सतनाम वाहिगुरु जिन्नी संगत बैठी सब नूं बेनती सब नूं आओ बड़े प्यार दे नाल इस भावना दे नाल कहो प्यार दे नाल सारे जी रामदास
सरोवर नाते सरोतरे पाप तमाते बोलो रामदास सरोवर नाते सब उतरे निर्मल होए खार इशनाना गुरपुरे कीने दाना निर्मल होए खार इशनाना गोरपुरे की ने दाना गोरपुरे की ने दाना रामदास गज के सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।